गर्म दिमाग का घोड़ा है। तो जबरदस्ती समझिए मेरा घोड़ा खरीदने का कोई मन नहीं था, तो थोड़ा हम भी ये सोचे कि यार पता नहीं क्यों आदमी जबरदस्ती तो नहीं दे रहा है घोड़ा, घोड़े में कोई कमी है। घोड़े का इतना पैर सूजा हुआ था, उड़ान बहुत मारे हुआ था। गर्म दिमाग का घोड़ा है। को न लगाम लगाने देना कुछ, तो हम लोगों ने इनके ऊपर बेहतरीन 20-25-50 कोड़ों से इनका स्वागत किया। खरीदने के बाद अरे बहुत लोग हमसे कहे खरीदने के बाद कि आपको ठग लिया और ये। फिर ये घोड़ा सही जब हुआ तो आज इसका मेरा ख्याल पूरे इंडिया में तो नाम है ये मलंग का। अरे भाई लड़ने के लिए सबसे काफी है। घोड़ा जब तक सीधे में ना पड़े तब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलती कितना दम है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डाउनटाउन व्लॉग। एक बार फिर हम एक बहुत ही शानदार जगह पर हैं। ये लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर पर मौजूद मलिहाबाद इलाका है। ये इलाका तमाम दुनिया भर में आम के लिए मशहूर है, लेकिन एक और चीज़ है, एक और शख्स है जिसकी वजह से ये इलाका काफ़ी फेमस है, और वो है ख्वाजा मोहम्मद गौस खान। ख्वाजा गौस खान के पास देश के नामचीन घोड़े हैं, उनके पास मलंग है, उनके पास लाल बादशाह है। अब आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो उनका मलंग घोड़ा है उसे उन्होंने कहाँ से खरीदा, किस कॉस्ट में खरीदा, और आखिर आज मलंग उनके लिए क्या अहमियत रखता है। गौस भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउनटाउन ब्लॉग पर। ये आपका मलंग घोड़ा है जी? जी। इसको आपने कहाँ से परचेज किया था? ये घोड़ा हमने खरीदा था जैसलमेर से ना। हम गए थे रेस लड़ने जैसलमेर की, जहाँ जोरावर घोड़ा हमारे पास में था वो सेकेंड आया था। तो एक हमारे दोस्त हैं, बहुत ही जिगरी भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, तो उसका नाम है भवानी सिंह भाटी। तो उसने घोड़ा हमें ज़बरदस्ती दिला दिया। एक मामा हमारे, उनको हम कहते हैं मामा, हरवंत सिंह सोडा हैं। तो ज़बरदस्ती समझिए मेरा घोड़ा खरीदने का कोई मन नहीं था, भाई ये घोड़ा लिए जाइए। तो मेरे ख्याल पहली मुलाकात थी, तो थोड़ा हम भी ये सोचे कि यार पता नहीं क्यों आदमी ज़बरदस्ती तो नहीं दे रहा है घोड़ा, घोड़े में कोई कमी है। कहेंगे अगर भाई दोस्त मानते हैं तो ये घोड़ा आप ले लीजिए। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये एहसान हो अपनी टोपी मेरे सर रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ देखिए भाई, पहली मुलाकात थी मेरी उससे, तो फिर भी हम यकीन बहुत जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, हमने चलो ठीक है ले लेते हैं। तो खैर ये हमने घोड़ा ले खरीद लिया, खरीद क्या लिया और समझिए दे ही दिया ज़बरदस्ती उन्होंने। हमने ठीक है, घोड़े का इतना पैर सूजा हुआ था, उड़ान बहुत मारे हुआ था। अच्छा, और घोड़ा ऐसा है ये कि मेरा ख्याल अगर और कोई इसे ले जाएगा तो नहीं रोक पाएगा। एक ही आदमी से सेट होता है, सलमान जो है हमारे वहाँ, वही लगाम चढ़ा है, वही बहुत मतलब गर्म दिमाग का घोड़ा है। अच्छा, तो खैर इनको ना लगाम लगाने देना कुछ, तो हम लोगों ने इनके ऊपर बेहतरीन 20-25-50 कोड़ों से इनका स्वागत किया। खरीदने के बाद तो ये थोड़ा लाइन लेंथ पकड़े अपनी, फिर पैर एर का यहाँ इलाज हुआ। मतलब आपने वो बीमारी की हालत में इसको परचेज कर लिया था? अरे बहुत लोग हमसे कहे खरीदने के बाद कि आपको ठग लिया और ये कर ले, लेकिन वो ऐसा, वो जो भवानी सिंह भाटी वो पैसे का मोहित आदमी नहीं, वो दोस्त है और दोस्ती निभाने वाला आदमी। भाई सब सबके लिए नहीं अच्छे होते हैं, क्या बताओ, किसी का बुरा भी हो भाई, ठीक बात है। हम सबके लिए नहीं अच्छे हैं, सब किसी के लिए बुरे भी हैं, सबके किसी के लिए अच्छे भी हैं। तो भाई मेरे लिए वो मेरा दोस्त है, फ़ोन कर दें हम 1:30-3 बजे रात तक जगा करता है, इंतज़ार किया करता है। जैसलमेर पहुँचने के बाद समझ लिए फिर वो भवानी सिंह हमारे साथी हो जाते हैं,
जो भी घोड़ा कह दिया, कभी ना पैसा पूछा ना कुछ पूछा, भाई बस भेज रहे हैं। मतलब ये वाले हमारे उसके मतलब एक फैमिली वाले रिश्ते हो गए। मतलब ये रिश्ता जो आपकी दोस्ती, वो पैसे हाँ, काफी आगे निकल गया, बहुत आगे। पैसे कौड़ी उसके हमारे बीच में कोई मामला ही नहीं, जो मैंने कह दिया उसने रख लिया। अभी सरफराज भाई को परसों एक घोड़ा खाली एक बात के ऊपर दिलाया, 11 लाख 12 लाख रुपए बोल रहा था। हमने जो कह दिया उसने रख लिया, क्योंकि बहुत बेचारा हमें वो चाहता है। तो खैर ये घोड़ा उसने मुझे दिया था, फिर ये घोड़ा सही जब हुआ तो आज इसका मेरे ख्याल पूरे इंडिया में तो नाम है ये मलंग का। साचौर जीता भुज में जाके, अरे भाई लड़ने के लिए सबसे काफ़ी है घोड़ा। अभी जा रहा है सारंग खेड़ा लड़ने। अच्छा। अभी आप देखिएगा 20 तारीख को रेस है, 20 दिसंबर को इंशाल्लाह होता है। उसके लिए जो है तैयारियां, हाँ तैयार है, जा रहा लड़ने सारंग खेड़ा। अच्छा ये जो आपने कही किस, अगर नस्ल की बात करें तो ये किस नस्ल का है? ये जिन्होंने घोड़ा बचपन से पाला था, हरवन सिंह सोडा, बुजुर्ग आदमी है वो, मतलब उम्र होगी 60-80 साल के करीब। तो हमें तो कुछ नहीं मालूम था, तो हमने पूछा ये भाई कान जोड़ रहे हैं इसके, ये कौन सी नस्ल का है मामा? उनको मामा कहते हैं हम। तो कहेंगे भैया ये जो है ढाटी सिंधी एक नस्ल होती है। अच्छा। ढाटी सिंधी। अब सब सीख गए, हमने तो पहली बार उनके मुँह ही से नाम सुना था ढाटी सिंधी, और मुझे आज तक नहीं मालूम कि ये ढाटी सिंधी है क्या। अभी आप हमसे अगर सवाल ये सवाल करें, आपने ढाटी सिंधी तो सुन लिया, लेकिन अगर आप हमसे ये सवाल करें कि भाई ये ढाटी सिंधी कहाँ की नस्ल है, क्या नस्ल है, तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। भाई ढाटी सिंधी लफ्ज उनके मुंह से सुना, वो मैं आपको बता दिया कि भाई ढाटी। अब हो सकता है कि जिसके भी घोड़े चल रहे हो, कान जुड़े हो, सबके ही ढाटी हो जाए, क्योंकि आजकल इन अचार मतलब नस्ल बता दी उन्होंने, मामा जी ने आपके, और उसके बाद जो दोस्त ने उस पे, अब सबके ढाटी सिंधी हो गए, दोस्त ने आपके जो है भरोसा जता दिया, तो आपने खैर उसको। हाँ ओ भाई उसमें मेरा फायदा हुआ भाई, घोड़ा ठीक ठाक रेस जीता, सब जीता, कोई उससे वो नहीं। और अरे हम भाई सही आपसे बता रहे हैं, हमें किस्मत इस घोड़े मतलब उसमें जो है किस्मत बहुत जल्दी काम की हमारी सही। मतलब ये मेरा ख्याल 6ठा या 7वां घोड़ा या 8वां ऐसे ही होगा। अच्छा। लोग 100-100 घोड़े बदल देते हैं, एक तो सील ना पा पाते हैं। मतलब 7वें 8वें नंबर पे ये आखिरकार हाँ, आपको मिला ये। हाँ। हालांकि और जो रेस जीतने का सिलसिला शुरू था वो किस घोड़े से? वो बादशाह से, बादशाह। और एक हमारे पास चंबा घोड़ा है, मुस्तफ़ा के वहाँ हमने दे दिया, रिश्तेदार हैं हमारे, वो घोड़े ने भी हमें ढेर रेस जिताई और बादशाह ने भी। अच्छा ये अभी जो है कौन कौन सी रेस जीत चुका है इसके भाई? ये अभी तक की साचौर में जीता है फर्स्ट, और प्रतापगढ़ में जीता है दो रेस, अभी तक मेरे ख्याल दो ही रेस ये जीता है। अच्छा मतलब जहां मैदान में उतरा वहां इसने जीता? हाँ वहां जीता है, फैजाबाद में आगे आया था रेस में, लेकिन जो है वो गोल, ये गोल चक्कर नहीं घूम पाता। अच्छा। गोल का घोड़ा नहीं, सीधी आप चाहे जहाँ इन्हें ले जाए, तभी हम सारंग खेड़ा बाहर इससे लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गोल की रेस होती हैं, तो गोल में अच्छा हमें भी थोड़ा गोल पोल का शौक जो है वो कम है। अच्छा। घोड़ा जब तक सीधे में ना पड़े तब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलती कितना दम है। साथ साथ जैसे आप जैसलमेर चलिए या कहीं 3 किलोमीटर वाली रेस चलिए, वहाँ असली घोड़े की औकात पता चलती कि घोड़ा क्या है। मलंग उतरने वाले हैं। हाँ वो मलंग वहीं उतरते बस। तो ये थे ख्वाजा मोहम्मद गौस खान जो मलियाबाद के रहने वाले हैं, मलियाबाद में एक अपना रसूख रखते हैं, और शानदार नस्ल के बेहतरीन घोड़े ख्वाजा मोहम्मद गौस खान के पास हैं। ख्वाजा के पास इस वक्त जो है मलंग घोड़ा है, वो कई रेस जीत चुका है। 2016 से जब उनको चालबाज घोड़ों का शौक लगा, उसके बाद 7वें 8वें नंबर पर उन्होंने इस घोड़े को खरीदा और फिर पीछे कभी मुड़ कर नहीं देखा। हालांकि घोड़ा जब वो लेकर आए तब बीमार था, उस घोड़े का इलाज कराया गया, और जब घोड़े ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो यकीन जानिए देखने वाले भी दंग रह गए, और आज घोड़ा देश में जाना माना है और चैंपियन है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब आपका पसंदीदा डाउनटाउन फेसबुक पर भी है, लिहाजा हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।